विचारधारा काम कर रही है उसको समझने में। और हमें बहन कुमारी मायावती जी को 2006 में 2019 में जिताना है। मैं यहाँ पार्टी की भक्ति करी ये क्योंकि जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि मेरे लोग, मेरे पढ़े लिखे लोग, मेरे युवा लोग आएंगे और मेरे उस सपना को साकार करेंगे। तो हम साकार तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर से वो एकता की वो जो स्वार्थ की विचारधारा है, जो वो मनुवादी जो विचारधारा है, जो टूटने से हमें तोड़ने में तुले हुई है, उसको हमें एकजुट करना है और हमारी शक्ति हमें एक जगह यूज करनी है। क्योंकि जैसे ही 2 तारीख की बात आई थी 2 अप्रैल को जिस तरह से इस मनुवादी सरकार ने हमारी महिलाओं पे, हमारे बच्चों पे अत्याचार किया, वो कोई हम भी थोड़ी ना मान लेते भाई, हम तो अपने अधिकार मान रहे थे। लेकिन इस विचारधारा ने क्या किया, हम पे जितना अन्याय हुआ उतना अन्याय हमारे साथ किया। लेकिन फिर भी बहुजन समाज को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुजन समाज अंतिम समय तक भी हमारे साथ खड़ा रहा और उस एकता के जो एकता में भरा रहा और वही एकता हमें 2019 में दिखानी है ताकि ये मनुवादी सरकार हिल जाए। इस मनुवादी सरकार का झंडा वो फाड़ के फेंकना है और इस संसद में हमें अपना नीला झंडा गाड़ना है ताकि बाबा साहब का सपना पूरा हो। आपने कभी सुना है कि किसी ब्राह्मण ने बच्चा के एग्जाम में फेल हो जाता है तो कभी वो भगवान को गाली देता है? नहीं देता। वो कहता है अगर आरक्षण नहीं होता तो मेरा बेटा नौकरी लग जाता। लेकिन जैसे ही हमारा बच्चा पढ़ता है लिखता है नौकरी लगता है, लेकिन पता वो किधर जाता है? वो बाबा साहब का गुणगान नहीं करता, वो उसी विचारधारा जो वो मनुवादी विचारधारा है उन मंदिरों की ओर भागना पसंद करता है, वहां पे सवाल नहीं करता है, वहां पे धंधा करता है। यार दोस्तों कभी सुनो, कभी अपने बाबा साहब को भी याद कर लिया करो जिस बाबा साहब की वजह से आपको ये नौकरी मिली, आपको राजीव गांधी का मौका मिला, आपको सम्मान से जीने का अधिकार मिला, आपको ये सूट बूट पहनने का अधिकार मिला और इनकी वर्मा को यहाँ बोलने का अधिकार मिला। ये किसी मंदिर की देन नहीं है, ये तो सिर्फ तेरे बाबा मान ही गए हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारी एकता और अखंडता जो भारत की उद्देशिका कहती है, इस संविधान की उद्देशिका कहती है कि साथियों हमें एकता अखंडता में रहना है। लेकिन एकता और अखंडता में हम तभी रह पाएंगे जब हम एकजुट हो पाएंगे, और एकजुट कब हो पाएंगे जब किसी मनुवादी जो विचारधारा है उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल के बाहर फेंकने के लिए। हमें मंदिरों की ओर नहीं जाना, हमें स्कूल और कॉलेजों की ओर जाना है, क्योंकि 1947 से पहले हमें वो जीने का अधिकार नहीं था, कोई जाने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो फिर 1950 के बाद हमें जो अधिकार मिला वो कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहेब की वजह से मिला। तो हमें उनको, उस आदमी को गुणगान नहीं करना। भाई अभी रवि जी भी कहके गए थे कि हमें उनका जो काम है उनको याद करना है। बाबा साहब का जो सपना था, अगर हमने एक छोटी सी भी चीज को अपने देखिए, हमें तो जातिवाद को खत्म करना है। अगर आपने जातिवाद को खत्म करने की ही थोड़ी सी कोशिश की तो मुझे लगता है हमारे देश में सत्ता शायद हमारी होगी, मनुवादी ही होगी। इसी के साथ मैं अपने सत्र खत्म करूं, उससे पहले मैं 2 शब्द आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी कि बरसात की जो बूंद होती है, जो वो धीरे धीरे बरसती है तो वो एकजुट नहीं हो पाती, लेकिन जो वो लगातार बूंद आती है तो वो नदी का बहाव ले लेती है। लेकिन साथियों अगर छोटे छोटे विचार एकजुट होके इस मनुवादी सरकार से लड़ेंगे, इस मनुवादी विचारधारा से लड़ेंगे, तो एक दिन बाबा साहब का सपना जरूर पूरा होगा, हम सब का सपना पूरा होगा, हमें वही सम्मान वही मान सम्मान जो बाबा साहब ने दिलाया था उसको हम जिंदा रखेंगे।